Study with me, a learning experience. Students, common tangent of two unequal circles लेने हो तो इसके दो केसेस होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में हम दो अनइक्वल सर्कल्स के ऊपर इस तरीके से टेंजेंट बनाते होते हैं. सबसे पहले आप दो अनइक्वल सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे विद रेडियस आर एंड आर प्राइम. फिर इनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट मालूम करना है तो कंपास को यहाँ पे रख के दो आर्क्स बना लेंगे ऊपर नीचे. फिर लेफ्ट वाले सर्कल के सेंटर पे रख के ऊपर नीचे दो आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे. जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे और यूँ आपके पास सेंटर पॉइंट एम आ जाएगा लाइन का. अब आपने कंपास को इतना ऊपर करना है जितना ये एक रेडियस बन जाएगा सर्कल का, जो हम एक अनवांटेड सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं. अब यूँ कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड से, ताकि अनवांटेड सर्कल हमें पता लगे कि इसके ऊपर गलती से हम टेंजेंट ना बना लें. और यूँ कंपास को ओपन कर लेना आर प्राइम जितना. यहाँ तक के स्टेप्स दोनों केसेस में सेम होंगे, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. अब आर प्राइम जितनी हम लोगों ने आर्क खोली थी वो उसको अंदर की तरफ हम लोग कट करेंगे दूसरे सर्कल के ऊपर. तो ये हमारे पास जो बकिया एरिया रह गया लेंथ ऑफ द लाइन वो आर माइनस आर प्राइम. इतना कंपास हम खोल के एक और अनवांटेड सर्कल डॉटेड से ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस हो जाएगा आर माइनस आर प्राइम. दोनों अनवांटेड सर्कल जहाँ पे मिल रहे हैं वो हमारे पास मिल जाते हैं पॉइंट पी और क्यू. अब हम लोगों ने सेंटर पॉइंट से इन पॉइंट्स को मिला लेना है और अपने मेन सर्कल के एंड तक ले जाना है. वहाँ पे हमें मिल गया पॉइंट ए, ये हमारा एक टेंजेंट पॉइंट है. और नीचे की तरफ जब करेंगे तो हमें पॉइंट बी मिल जाएगा, दूसरा टेंजेंट पॉइंट. अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है दूसरे सर्कल में, ये वाली और नीचे वाले के साथ पैरेलल ये वाली. मगर कैसे? इसके लिए बेसिकली तो तीन मेथड हैं जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डिटेल बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वक्त की कमी की वजह से सिर्फ सेंट्रल यानी कि सेकेंड मेथड यूज़ करता हूँ, जो कि है डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, और ये सबसे आसान है. हम लोगों ने यहाँ पे डी को रख के हम लोगों ने एंगल मेजर कर लिया. थोड़ा जूम कर लेते हैं. हम लोगों ने एंगल मेजर करके राइट वाले सर्कल के अंदर ले गया और उधर उस एंगल के ऊपर डॉट लगा लिया. सेंटर पॉइंट से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की और ये वाला एरिया जो है हम लोगों का पैरेलल लाइन का बन जाता है और ए प्राइम पॉइंट हमें मिल जाता है. इसी तरह नीचे डी रखी, उस एंगल के ऊपर पॉइंट लगाया, डॉट लगाया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको हाईलाइट कर लिया. यहाँ पे बी प्राइम पॉइंट हमें मिल गया. अब आप देखें तो हमें चार टेंजेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं. अब हम यूँ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं. नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बने हैं जो यूं करके बनते होते हैं, जिसको उल्टा पुल्टा भी मैं कहता होता हूँ. इसमें भी पहले शुरू के स्टेप्स वही हैं. दो इक्वल सर्कल्स हैं आपके पास, आर और आर प्राइम रेडियस जितने हैं. इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को मिला लेना है. फिर इनका सेंटर पॉइंट इस लाइन का मालूम करना है. यूं कंपास ओपन करेंगे, ऊपर नीचे दो आर्क्स लगाएंगे, दूसरे कंपास के ऊपर दूसरे सर्कल के ऊपर कंपास रख के भी दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे और ऊपर नीचे इसको मिला लेंगे. यूं हमें सेंटर पॉइंट एम मिल जाएगा. अब यूं कंपास का रेडियस ओपन किया और इस तरह से एक अनवांटेड सर्कल डॉटेड से ड्रॉ कर दिया. अब हम लोग आर प्राइम जितना सर्कल ओपन करते हैं, कंपास ओपन करते हैं. यहाँ तक के स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम है, इसलिए मैंने क्विकली इसको गुजारा है. अब लेफ्ट साइड वाले सर्कल में पिछली दफा हम लोगों ने आर माइनस आर प्राइम किया था, इस दफा चूंकि ट्रांसवर्स है उल्टा पुल्टा आर प्लस आर प्राइम हम लोग इतनी एक आर ड्रॉ करेंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और इतने रेडियस के अगेंस्ट हम लोग एक और अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. जहाँ पे ये दोनों अनवांटेड सर्कल मीट कर रहे हैं उनको हम लोग कह देते हैं पॉइंट पी और क्यू और इनको इन सेंटर पॉइंट से मिला लेते हैं. इस सर्कल के एक को मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक को ब्लैक के. इन्हीं के पैरेलल हम लोगों ने राइट वाले सर्कल में ड्रॉ करने होंगे दो लाइंस और वो कुछ इस किस्म की आएंगी. ऊपर वाले लाइन के अगेंस्ट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि उल्टा पुल्टा है, ट्रांसवर्स है. और नीचे वाली काली लाइन के अगेंस्ट दूसरे वाले सर्कल में ऊपर की तरफ जाना है पैरेलल लाइन. इसके लिए भी हम तीन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वक्त के इख्तसार की वजह से डी वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि सबसे आसान है. यूँ हम लोग डी रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और एंगल मेजर कर लेंगे पॉइंट ए का. उतना ही एंगल हम लोग राइट वाले सर्कल के ऊपर जाके पॉइंट लगा लेंगे और उसको लाइन से मिला लेंगे, लेकिन नीचे की तरफ. तो ये ग्रीन वाला लाइन ग्रीन के अगेंस्ट पैरेलल है और हम लोगों ने अब नीचे की तरफ प्रोटेक्टर रखा, पॉइंट उसी एंगल पर लगाया और ऊपर की तरफ अब हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ब्लैक वाले के अगेंस्ट. ये हम लोगों के पास दूसरी पैरेलल लाइन आ गई है. अब हमने इन चार पॉइंट्स को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स को मीट करा लेना है और ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गए हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर इस तरह की क्विक वीडियोज़ बनाते रहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ बनाकर दी जाएँ.